सर इधर बैठ जाए सर, इस बदल आए सर। पेज नंबर 173 निकल रहा है ये, इस लग रहे पेज नंबर 4 पहले एक नजर रिवाइज कर रहा, 3 और 4 पेज नंबर 3 और 4 जो कल पढ़े थे, 2 कैंड से शुरू करो। ये बड़ा वो समझ जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। ईपीएस के क्वेश्चन में जहां जहां आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो नोट करते रहे, आगे चलते रहे। जिस जिस सवाल में थोड़ा बड़ा इशू आ रहा है वो करते रहे, एक दफा अपने कंप्लीट कर लें और इंशाल्लाह इकट्ठी डिस्कशन करेंगे। तो ईपीएस ठीक है, इश्यूज हैं, इकट्ठे करते रहे, इंशाल्लाह करते हैं। अगर चीजें साथ साथ करते रहे तो थोड़ा सा हौसला भी होता रहे, कुछ हो गया। पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 4 तक जो कल पढ़े थे एक नजर रिवाइज करो। जी सर, एंड में बात हो रही थी कि अगर एक एसेट एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो और उनकी लाइफ डिफरेंट हो, एक से ज्यादा एक एक ही सॉरी सॉरी एक एसेट के एक से ज्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट्स हो, उनकी सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो और लाइफ डिफरेंट हो, तो देन फिर उसे सेपरेट अप्रिशिएट करेंगे। पेज नंबर 173 निकालना, ये जो बात कल हुई थी और कुछ रिवेल्यूएशन जो पहले बातें होती रही हैं, पेज नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 8। जरा से आपको अंदाजा होगा कि गेम कितनी सीरियस है। स्पुटनिक सी लिमिटेड, नहीं बेटा, जो इक्विपमेंट को इंस्टॉल करने के खर्चे हैं वो तो कैपिटलाइज होने ही होने, लेकिन उसको जो डिसमेंटल करने के, रिमूव करने के और साइट रिस्टोर करने के खर्चे एंड में होने हैं वो भी शुरू में कैपिटलाइज होते हैं। जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं वो तो कैपिटलाइज होने ही होने, वायरिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्रोफेशनल चार्जेस, असेंबली चार्जेस, ये तो कैपिटलाइज होने ही होने, परचेज प्राइस। लेकिन इन एडिशन टू दैट अगर कोई डिसमेंटलिंग कॉस्ट की लाइबिलिटी है तो वो भी इनिशियली एसेट की कॉस्ट में प्लस हो जानी है, बस ये बात हुई। ठीक है, ये पेज नंबर 173 है, प्लीज पेज नंबर 173 क्वेश्चन नंबर बता दें। स्पुटनिक सी लिमिटेड रन्स अ क्रूज बिजनेस अक्रॉस ओशंस, ये क्रूज शिप्स होती हैं सर, समंदर में चल रही हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ द SSL's क्रूज शिप इज अवेलेबल, SSL कंपनी का नाम है, अ क्रूज शिप बॉट अ क्रूज शिप ऑन 1st March 2018 आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज
वॉज रेडी फॉर सेल, रेडी टू सेल ऑन, ये रेडी टू सेल, सेल का क्या मतलब, समंदर में ट्रेवल, सेलिंग बहरी जहाजों के लिए वर्ड सेलिंग इस्तेमाल होता है। डिटेल्स रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ द शिप आर एज अंडर, इंजन उसकी बॉडी, ड्राई डॉकिंग, ओवरहॉलिंग, समझ लो ओवरहॉलिंग कॉस्ट भी होती है, ओवरहॉलिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होती है, एक्सपेंस आउट होती है। क्या मतलब होता है कैपिटलाइज, ऐसे कॉस्ट में ऐड होता है, ऐसे कॉस्ट में ऐड होता है। तो समटाइम सेकेंड हैंड शिप्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो इंजन, बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग से कंपोनेंट्स बने हैं, कॉस्ट दी हुई है, यूजफुल लाइफ दी हुई है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू मिलियंस में दी हुई है। यूजफुल लाइफ में 50,000 घंटे दिए हुए, 25 साल दिए हुए, 5 साल दिए हुए। नंबर 3, ऑन 1 मई 19, ऑन 1 मई 19 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विच डैमेज इट्स बॉडी, रिपेयर वर्क अंडरलाइन करें वर्क टू 2 मंथ्स एंड कॉस्टेड ₹26 मिलियन। रिपेयर डिडंट चेंज, कितनी देर, 1 मिनट पढ़ने में बैठे हो जाए, आपको पढ़ेगा क्वेश्चन। नहीं मतलब जब तक हम शिप देखेंगे इसमें मुश्किल हो रहा है समझना, बस कंपोनेंट्स होता है, एक इंजन भी है, बॉडी है, उसके ओवर ड्राई टॉकिंग हिस्से को शायद कह रहे हैं या उसकी ओवरहॉलिंग को कह रहे हैं, शिप देखेंगे। आप लोग पढ़ लें प्लीज, क्वेश्चन पूरा कर लो, आगे चले मैं मजा। ये मम्मी ने हो गया, ये सर जी वापस आइए थर्ड पॉइंट पर। ऑन 1 मई 19 द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट विद डैमेज इट्स बॉडी, रिपेयर वर्क कितने से होता है, 2 मंथ्स एंड उसकी कॉस्ट आई है। द रिपेयर डिडंट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट्स, रिपेयर की कोई एंट्री बताएंगे। जब भी रिपेयर वर्ड आता है तो आपके जहन में कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं या ये एक्सपेंस कैपिटलाइज होना चाहिए, रिपेयर्स 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 एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है सर। एक होता है ओवरहॉलिंग, ओवरहॉलिंग कहते हैं इसमें मेजर रिपेयर मेंटेनेंस को, मतलब ओवरहॉल करने का मतलब शायद होता है रिन्यू कर लेना सर। एक होता है मेंटेन करने का खर्चा, उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस ही है, ओवरहॉलिंग बाय डिफॉल्ट रिन्यूअल कर लेना, एसेट बढ़ा लेना, इन्हांस करना, इस एंगल से बड़ी यूज होता है। तो बचपन अगर जेन मिलाएंगे ओवरहॉलिंग वर्ड पहले भी आता रहा डेप्रिसिएशन के जमाने में, तो ओवरहॉलिंग को एसेट की कॉस्ट में प्लस करते हैं, और रिपेयर्स अगर कुछ ना पता हो कि रिपेयर कौन सी है तो वी रिज्यूम कि नॉर्मली इसका बेनिफिट एक साल ही होना, मेंटेन करने का खर्चा होता है। जरा बाइक्स जेन मिलाएं, जरा बाइक्स की रिपेयर मेंटेनेंस होती रहती है, तो ये नॉर्मल रूटीन के खर्चा है, ऑयल चेंज करवा लिए, कोई चीज टूट गई उसे ठीक करवा लिए,
हाँ जी वो बताया तो फिर है ना, मतलब अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि इस रिपेयर से 5 साल फायदा हो जाएगा तो वो एक अलग इशू है, वरना अगर ना पता हो तो रिपेयर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स एक साल का बेनिफिट होगा अनलेस अदरवाइज एक्सप्लेन। नंबर फोर, एवरी मंथली सेलिंग ऑफ द शिप, मंथली शिप चली जो है ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, 18 में 360 किया है जी, नहीं आर्स तो है क्या है, मंथली आर्स में ईयरली आर्स है, पढ़े जरा ध्यान से लग, एवरी मंथली सेलिंग ऑफ शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स, 18 में, 2018 में ऑन एवरेज हर महीने या पूरे साल में, हर महीने 360 घंटे, फिर 2019 में और 2020 में एवरेज मंथली सेलिंग बढ़ रहा है, लेकिन ईयर वाइज बताया मैं। SSL uses revaluation model for subsequent measurement. कौन से मॉडल्स हैं? कॉस्ट मॉडल भी है, रिवैल्यूएशन मॉडल भी है। SSL accounts for revaluation on net replacement value method का मतलब? नहीं, साथ जाना नहीं सर, accumulated appreciation debit asset credit elimination की एंट्री की बात हो रही है, एलिमिनेशन की एंट्री को नेट रिप्लेसमेंट वाली मेथड लगता है कल बिल्कुल नजर नहीं पड़ी। देखिए आप लोगों ने ये कितनी चीजें रिवाइज करनी है, लेकिन जो मैं आप आजकल कुछ दिनों से कहना शुरू हो गया हूँ, इनको पहली प्रायोरिटी पर रखें, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी। अपनी मर्जी से करना चाहे मैं उस पर नहीं रोकता, लेकिन कम अज कम जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं करता हूँ डेली बेसिस पे, उनकी तरफ जरूर जाए। जिस तरह IAS 8 का मैंने कुछ कल निकाला, उसके टाइम पे आप कह रहे दो हो गए, दो सवाल हो गए हैं, तो दो पूरे हो गए बल्कि तीन हो गए हैं। SSL accounts for revaluation on net replacement value method and transfer maximum possible amount from revaluation surplus to retained earnings on, ये है वो, ये किस एंट्री की बात हो रही है? ना भी लिखा हो तो शायद एनुअली करते हैं। The revalued amounts of the ship as at 31st December 19 and 20 but determined as 1400 million and 1000 million respectively. Year ends पे revaluation है। Revaluation, revalued amounts are apportioned between the components on the basis of their book value before revaluation. Last sentence underline कर लें। असल में ये question शायद इन दो दो वजूहत की वजह से आपको मैं करवा रहा हूँ। नंबर एक, एक तो एक ही एसेट के कंपोनेंट्स हो गए हैं, और नंबर दो फिर रिवेल्यूएशन भी शायद अलहदा अलहदा क्यों करनी पड़ेगी वो डिस्कस करना है। रिक्वायर्ड पे ऐसे प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप to the year ended 31st December 2020. Follow the register. Sputnik C Limited, sir. जर्नल एंट्रीज इस तरह नहीं करनी करें सर, आप ठीक ठाक ये क्वेश्चन एंजॉय कर सकते हैं, कैलकुलेटर्स पकड़ना है, वर्किंग प्लीज कीजिएगा, सारी फिगर्स समझ के करने की जरूरत है। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड, नहीं अब ये 3 ईयर एंड बन जाने शायद, डेट ऑफ परचेज है 1st March 18 पर 18 आएगा, तो हम द डेट ऑफ परचेज ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर एंड बनेगा 31st December 18 इन 19 पे 20, तो 31st December 18 के एंगल से पहले फोकस करना, फिर 19 20। जी सर पहली डेट 1st March 18 को क्या हुआ? साथ साथ रहना प्लीज, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, प्लीज साथ साथ। अच्छा कल वाली अब जो बातें हुई थी वो बीच में साथ साथ रिवाइज करके फाइनल कर लें जरा। ये मैंने कल हरगिज नहीं कहा कि एसेट कंपोनेंट वाइज एसेट डेबिट होना, एसेट को तो कंबाइंड डेबिट हो जाएगा,
लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन फिर कंपोनेंट्स अलग अलग डेप्रिशिएट होंगे। मीन्स टू से पहली एंट्री वही हो जाएगी जो होनी चाहिए, क्रूज शिप डेबिट, क्रूज शिप डेबिट, फर्स्ट मार्च है क्या परचेज है तो फर्स्ट मार्च ही है। कैश या पेबल क्रेडिट, रुपीज इन मिलियंस लिखो, जी फिगर कैसे आएगी जी? हाँ जी प्लस कर लें, 840 प्लस 535 प्लस 60 1435 एनी कंफ्यूजन सर? पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज पार्टिसिपेट करें। पहला ईयर एंड 31st December 12 है, 31st December 18 सॉरी है, नेक्स्ट डेट बताओ। 31st December 18 रुकने की वजह रिवेल्यूएशन 19 और 20 के एंड पे, तो फर्स्ट ईयर ऐसे कोई रिवेल्यूएशन नहीं है। अब इसके लिए दो पेजेस रखो, साफ सुथरी वर्किंग्स, काफी सारी वर्किंग्स हो रही है। जिस पेज पे आप हैं वो भी छोड़ दें और जो एक अगला पेज भी छोड़ दें। December 31, 18 डेप्रिसिएशन, सॉरी इस तरह से वर्किंग है करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 18 जी सर। कुछ नई चीजें तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा लेकिन सोचनी पड़नी है। इंजन सर, डेप्रिसिएशन हमें अलग क्यों करनी पड़नी है, उनकी लाइफ अलग है, लाइफ ही लगता है। इंजन पे फोकस करें, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंजन? 840। व्हाट इज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इंजन? स्ट्रेट लाइन चले ठीक है लेकिन आवर्स की बेस पे, लाइफ आवर्स में दी गई, मशीन आवर्स कह लें या मतलब ट्रेवलिंग आवर्स कह लें, कुछ आवर्स की गेम है। कितने हजार घंटे इंजन चलेगा? 50,000 घंटे इंजन की लाइफ है, रेसिडुअल वैल्यू गिवन है, कुछ करेंगे? 840 माइनस, सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है जिसमें रेसिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते हैं, वो रेट में ऑलरेडी आ जाती है, वरना स्ट्रेट लाइन हो, सम ऑफ डिजिट्स हो, मशीन आर, आर्स मेथड में भी होता है। प्लीज सर जी, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल आवर्स, फिर आर्ली डेप्रिसिएशन आ जाएगी और मल्टीप्लाई बाय जितने आवर्स मशीन इस्तेमाल हुई है या एसेट इस्तेमाल हुआ। ये क्लियर है प्लीज? व्हाट इज 840 कॉस्ट, व्हाट इज 40 डिवाइडेड बाय बताएं 50,000 आवर्स। यहां से क्या आ जाएगा, आंसर की जरूरत नहीं है, यहां से आ क्या जाएगा? 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 आवर्स, डेप्रिसिएशन पर आर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन पर वन आर आ जाएगी, और फिर जो भी आ जाएगा वो मिलियंस में, राउंड मिलियंस में फिगर्स आ रही है। डेप्रिसिएशन पर आर मिलियंस में क्यों आ रही है फिगर, क्योंकि मिलियंस में डाटा। अब करना क्या, इसके बाद जब ये यहां तक आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करना, देखना एक मिनट कैलकुलेट करें, नहीं नहीं पहले कैलकुलेट करिए आया क्या है, डेप्रिसिएशन पर वन आ रहा है। अब ये ढूंढना है, अब क्या ढूंढना है, बल्कि आप ही बताओ, अब क्या ढूंढना है कि 2018 में कितने आवर्स इस्तेमाल हुए, ढूंढना है। नहीं अब 360 सही फाइनल कर, 360 के पर मंथ आवर्स, 18 में पर मंथ है आवर्स, अब 18 में मंथ्स बताएं,
12 और 2018 12 महीने। डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज परचेज। 360 ढूंढना है पर मंथ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 9 क्यों। फर्स्ट अप्रैल ढूंढे, फर्स्ट अप्रैल ये तो फर्स्ट मार्च के लिए। रेडी टू सेल, अवेलेबल फॉर सेल, रेडी फॉर सेल। गिनने लिए 9 गिनने तरह कहां से कहां तक। अप्रैल टू दिसंबर ये 360 क्या था जी। एवरी मंथली यूजेज ऑफ आर यूजेज इन आवर्स इन 2018 तो 9 मंथ्स अप्रैल टू दिसंबर। आंसर 51.84। बड़ा डिस्टर्ब नहीं करनी करें यार, बी सीरियस प्लीज, आपस में कोई बहस नहीं। 9/12 क्यों नहीं किया, ये हुआ ना असल सवाल। 9/12 क्यों नहीं किया जी। 360 क्या है, मंथली आवर्स है, पहली मंथली आवर्स है तो मल्टीप्लाई में 9 करके क्या निकाला हमने। साल के आवर्स पहले तो 9/12 करते थे, वो लाइफ एनुअल दी होती थी, सालाना डेप्रिसिएशन आती थी फिर मंथली में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ जो डेप्रिसिएशन है पर आवर आ रही है, ये सॉल्व किया सबने, डिवाइड बाय 50,000 आवर्स करके डेप्रिसिएशन पर वन आवर आई है, और फिर देन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स यूज ड्यूरिंग द ईयर। 360 नंबर ऑफ आवर्स यूज ड्यूरिंग द मंथ और 9 मंथ्स फिर ऐसा डिसवान हो। ठीक है मिस्टर हमजा, एनी अदर कंफ्यूजन जी। डियर आगे शिप बॉडी कॉस्ट, हिम्मत सदी मत चाहिए, स्पीड अप हो, -35 अब डिवाइडेड बाय ये क्या है 25 साल। सॉल्व करें एक मिनट, यहां तक ये क्या 20 डेप्रिसिएशन पर एनम है अभी, पर एनम अभी पर एनम है, और अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई बाय 9, यहां बाय 12 कहां से आ गया, पर एनम डेप्रिसिएशन, अब बेस है डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो डेप्रिसिएशन पर 1 ईयर आई है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 9/12 डन सर, ये हमारा फाइनल है यार। अब 9/12 क्यों हुआ, समझ आ रहा है क्या हो रहा है। ड्राई डॉकिंग फाइनल कर दे, कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं दी गई, डिवाइड बाय 5 इयर्स है ये भी, मल्टीप्लाइड बाय 9/12 9 9 जी टोटल 75.84 क्या आ गया टोटल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2018। आ जाए वापिस लिखे एंट्री, तो डेप्रिसिएशन के भी कंबाइंड एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अमाउंट हमने क्या करना कंपोनेंट वाइज करना, अगर कंपोनेंट्स की लाइफ अलग है। डन प्लीज कर दी फाइनल एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इकट्ठे मिल गए, कोई वर्किंग तो नहीं दिख रहा अभी। चले सर एक लाइन लगा दें, कौन सा साल खत्म हो गया, 18 खत्म हो गया, कौन सा शुरू हो गया, हेडिंग बना लें फॉर द ईयर एंडेड, एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 19।
जी डाटा देखें। हाँ जी ठीक है ठीक है, सारा तरतीब से देखें। फर्स्ट मैं एक रिपेयर है, पहले एंट्री तो उसकी भी होगी नहीं, एंट्री बोले रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश पे, कैश और बैंक पेबल 26 मिलियन। जी सर, अब आ गई गेम रिवेल्यूशन की तरफ। 31 दिसंबर 19 पे रिवेल्यूशन भी हो रही है, लेकिन पहले क्या होगा इस साल की 19 की, ये ना बात 19 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग असूलन पहले आप कर लें खामोशी से, ताकि साथ वालों को पता ना चले। सुन ले सर, सुन ले, इम्पोर्टेंट कॉल है, सवाल भी हो रहा है और कॉलें भी हो रही हैं सर, बिजी बंदे हैं। ये इंजन की वर्किंग करके तो एक मिनट रुकिएगा, कैसे करेंगे, कर लिए, कर रहे करेंगे, एक मिनट कर लेंगे। ये 360 आवर्स है, मंथली आवर्स है, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 मंथ्स के आवर्स, आवर्स में डेप्रिसिएशन है ना, इंजन इंजन की लाइफ आवर्स में दी गई। 840 माइनस 40 कटे यहाँ तक, सोच लिया अपना अपना, डिवाइड बाय 50,000, ये रिमेनिंग लाइफ नहीं लेनी। और मिनी लाइफ लेनी है वो कब लेते हैं, रिवेल्युएशन के बाद, और एस्टीमेट चेंज हो जाए तो फिर अब बड़े भी होना है, कभी रिवेल्युएशन की इस डेट पे पहुंचने लगे हम, याद है, इनटू 480 इनटू 12 क्यों नहीं, मई वाले महीने में जाए जरा, मई वाले महीने में जाए, मई 19 रिपेयर जब हुई है तो 2 महीने तो रिपेयर को लग गए, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, क्या अगर एसेट आइडल रहे तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, यस होती है, लेकिन अगर कौन से मेथड में नहीं होती है, पेज नंबर 2 ढूंढे, पेज नंबर 2 भागते ढूंढे, ढूंढने ढूंढने प्लीज ढूंढने। पेज नंबर 2 3-4 पॉइंट्स आए थे कल डेप्रिसिएशन वाला, थर्ड पॉइंट था आई थिंक, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, डेप्रिसिएशन सीजेस व्हेन द एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड, डेप्रिसिएशन शैल नॉट सीज इफ द एसेट इज टेंपरेरी आइडल अनलेस वी हैव इट, क्या यूजेज मेथड्स, यूजेज मेथड मशीन आर यूनिट्स मेथड, आर्स की बेस पे वर्किंग हो रही है,
तो आज मेथड यूजेज मेथड में असल में आर्ली मेथड्स भी है, लिखा होगा ब्रैकेट में नीचे जो ब्रैकेट बनी हुई उधर ही पॉइंट नंबर 3 के नीचे लिखा होगा यूनिट्स मेथड प्रोडक्शन आर्स मेथड जी 480 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्यों 10 क्यों कौन से 2 महीने रिपेयर बने रिपेयर बने ये हो इस वक्त क्या रहा है कंसंट्रेट कर लिया ये डिवाइड बाय 50,000 से असल में क्या हो जाता है डेप्रिसिएशन पर आर पर 1 आवर और फिर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ आवर्स हो रहा है तो नंबर ऑफ आवर्स में 480 के मंथली आवर्स और साल में कितने महीने 12 10 क्यों नहीं है क्लियर है बात वही मसला नहीं गलतियां तो नहीं अब गलतियां तो करनी है लेकिन इंशाल्लाह गलतियां करके अब याद रखनी है जी आंसर बताएं आप बाकी वाइंड अप करें मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट सर एक्सेलेंट हो गया एक्सेलेंट हो गया बेहतरीन सेटिंग हो गई है पेज नंबर वही है जो अगले वाले से पूछा है अब रजिस्टर खोलना है रजिस्टर का पेज नंबर आपने बताना है आपके रजिस्टर में कौन सा है जल्दी होने सेटिंग ठीक हो गई है पानी शानी मंगवाता था मैं सेटिंग टाइम सेटअप टाइम ही 5-10 मिनट हो गए थोड़ा फाइनल बेटा तब ना करो गलती से मत डरे गलतियां करें यही करें वहां ना करें यहां कर लें ये बेटा 10 मंथ्स से मल्टीप्लाई किया 2 महीने रिपेयर होती रही है 2 महीने रिपेयर होती रही है तो 19 में 12 मंथ्स ही इस्तेमाल इसने होना था लेकिन 2 महीने रिपेयर रही है तो 480 मंथली एवरेज मंथली आवर्स ऑफ 19 देयरफॉर 2 महीने क्योंकि साल में रिपेयर है इसलिए मल्टीप्लाई बता ठीक है क्लियर जी सर 535 कर लिए -35 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10/12 और यार जाने दे अभी तो बात हुई और रिपेयर वाले 2 महीने में इस्तेमाल तो नहीं हुई लेकिन अगर मेथड स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग है ये सम ऑफ डिजिट्स है तो डेप्रिसिएशन शैल नॉट सीज लिख ले एक सेंटेंस बस डेप्रिसिएशन यहां वर्किंग करें यहां लिखें ये फिर भूल जाना डेप्रिसिएशन शैल नॉट सीज ये वर्ड्स है ना उधर मेरा लगा unless usage methods of depreciation are used and what is the meaning of usage methods machine or units method machine or the production units method जी सर आंसर नहीं मतलब बिल्ड बॉडी का 20 12 टोटल 108.8 एंट्री पूरी करें डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वन जीरो एट पॉइंट एट
जी जरा पहले नंबर पर कांटेक्ट बता दीजिएगा क्या है। वन सेवेंटी थ्री से स्टार्ट हो रहा है, 173 पड़ा पेज नंबर 173। जी सर जी रिवेल्यूशन आ रही है और सीरियस आ रही है। हाँ जी 31 दिसंबर 19 कर दे जी। एक्युमुलेशन वाली एंट्री में कोई इश्यू नहीं, दोनों पिगर्स एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट थ्रू शिफ्ट कर दे। ये एंट्री किस डेट पे होती है और किस अमाउंट से होती है? रिवेल्यूएशन डेट पे होती है, वो चाहे शुरू में हो, मिड में हो, एंड में हो, और जितनी एक्यूमुलेट हुई होगी इस डेट तक वो उस अमाउंट से होगी। तो व्हाट इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दिस डेट? 75.8 पिछले साल चार्ज हुई और 108.8 इस साल चार्ज हुई, टोटल हो गया 184.64। सब कुछ याद आ गया यहाँ पर। अब 31 दिसंबर 19 में फिर आप डिसाइड आपने ये करना है कि सरप्लस है या लॉस है, उसके लिए वर्किंग में आ जाए। जी बिल्कुल ठीक है सर, मिल जाए सारा। कैरिंग अमाउंट एज ऑन बल्कि डेट ऑफ रिवेल्यूशन लिखना 31 दिसंबर 19। कैरिंग अमाउंट किसकी? क्रूज शिप की। कॉस्ट कितनी है? 1435। बेहतर ये जरा यहाँ रुक के जरा सारी बात एक दफा रिवाइज होते, लेट स्टार्ट फिगर्स ढूंढ लें, फिगर्स ढूंढ दे रहा हूँ। 1435 क्या है? माइनस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन है 184.64। एक मिनट आंसर बताएं। 1250.36। लास्ट पैराग्राफ में चले जाएं, नेक्स्ट पेज पे 1400 फेयर वैल्यू है, डिफरेंस है 149.64। सरप्लस है ये लॉस है? लॉस रहने दे सर, इसको सरप्लस ही समझे सर। वाई सरप्लस? फेयर वैल्यू ज्यादा है, फेयर वैल्यू ज्यादा है। आ जाए डबल एंट्री की तरफ। क्रूज शिप डेबिट एंड रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट बाय रुपीज 149.64। क्रूज शिप डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे यहाँ पे एनी कंफ्यूजन बेटा प्लीज। जी यहाँ रिमेनिंग लाइफ गिनने से आ जाएगी ना। क्रूज शिप की रिमेनिंग लाइफ गिनवाएं। वर्किंग में क्रूज शिप की इकट्ठी रिमेनिंग लाइफ नहीं है क्या? पार्ट्स की कंपोनेंट्स की अलग अलग सोचनी पड़ेगी जी। ठीक है सोच रहे थे। आगे सर रिमेनिंग लाइफ किस किस की, किस 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 की? इंजन की भी रिमेनिंग लाइफ 50,000 है। सब कुछ वही आपको पता है, बस थोड़ी सी गेम नहीं है। 50,000 क्या था टोटल लाइफ?
अरसा इसे इस्तेमाल कर लिया है? कैलकुलेटर उठा लें, अब मंथ्स काउंट करें या आवर्स काउंट करें? 50,000 घंटों में से 2 साल इस्तेमाल कर लिया, 50,000 घंटों में से कितना घंटे इस्तेमाल कर लिए? ऐसे ही करेंगे ना? जी सर, जी सर, कैसे वर्किंग करें? 50,000 आवर्स वर्किंग ढूंढे पीछे, वर्किंग सर इधर तो नहीं है। जी पहले साल कितने आवर्स इस्तेमाल किया था बताइए, तो बता दो यार। 369। अब डेफिनेटली वहां काउंट भी किया जा सकता है, 360 × 9 ऐसे था। और दूसरे साल 480 × 10, पिछले एक साल और 9 मंथ्स में हमने रिस्पेक्टिवली 360 × 9 मंथ्स और 480 × 10 में सही फिजिक स्टोरी है। तो व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ? 41960। सोचने एक मिनट, 41960 हजम है? योनस फ्रेंड्स ओके है? शिप बॉडी, अरे हिम्मत करें, हिम्मत हिम्मत, सही आना चाहिए, सही आना चाहिए, पता है आपको सारा पता है, पॉइंट्स में भी आंसर आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल सही होना चाहिए, 25 साल थे, 2 साल गुजर गए, 1 साल 9 मंथ्स मींस 1.9 ईयर्स गुजर गए, सब पता है सर, हिम्मत करें बस। एक पूरा साल गुजर गया और 9 मंथ्स गुजरे, 9 मंथ्स एंड 1 ईयर, 1 ईयर पूरा और 9 मंथ्स मींस 9/12, हिम्मत 9/12, 1.75 ईयर्स गुजर गए हैं। क्या काउंट हो रहा है सर? 25 क्या है टोटल लाइन, कितना अर्सा गुजर गया है? 1 साल 9 महीने, 9/12 कर लिए सबने 9 बताओ, तो रिमेनिंग लाइफ इज 23.25 ईयर्स। ओवरहॉलिंग बल्कि सॉरी ब्राइट वॉकिंग रोबोटिक फॉर्म, क्या लाइफ थी सर? 5, ये भी 1.75 ईयर्स है, 3.25 ईयर्स। तो रिमेनिंग लाइफ काउंट कब हो जाती है सर? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, और फिर यूज कब होगी? जब ये रेंडा आएगा, जब ये रेंडा आएगा, एक लाइन लगा दें जहां तक अब आए हम, 31st December 2019। अब शायद क्लोज है, ओहो सर सरप्लस ऑफ ट्रांसफर करें, और जाने दें एनुअल ट्रांसफर करना, ये कमाल हो गया है। बोर्ड को फॉलो करना, जिस साल से डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे चार्ज होना शुरू होगी उस साल से यकीनन सरप्लस भी ईयर वाइज ट्रांसफर होगा। आई होप कि अभी बातें आपको बच्चों जैसी महसूस हो रही हैं। नेक्स्ट ईयर आ गया सर, 31st December 2020। रिवैल्यूएशन है माय डियर, फिर रिवैल्यूएशन है 2020 पे, पहले डेप्रिसिएशन 2020 की डेप्रिसिएशन, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगला स्टेप, फिर अगला, फिर इंशाल्लाह अगला। जी सर डेप्रिसिएशन की वर्किंग करवाएं, मुसलसल डिस्टर्बेंस है यार। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, depreciation for the year ended 31st of December 2020, किसकी depreciation? ship की,
फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, सिंपल इज दैट। फेयर वैल्यू ढूंढना, नहीं नहीं पहले ढूंढना सही, पहले प्रॉब्लम सही समझ लो, प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व कर ले। 1400 मिलियन फेयर वैल्यू है, इस 1400 मिलियन ने डेप्रिशिएट होना, सबको पता आफ्टर वैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो 1400 ने फ्यूचर में डेप्रिशिएट होना है, 1400 ने अब डेप्रिशिएट होना है, लाइफ बताएं 4196 आवर्स में, 960 आवर्स में डेप्रिशिएट होना है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फेयर वैल्यू शिप की दी हुई, इस फेयर वैल्यू को सेग्रीगेट करना पड़ना है बिटवीन द फेयर वैल्यू ऑफ इंजन बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग्स, क्योंकि उनकी लाइफ अलग है। प्रोपोर्शनेट अगर तो एग्जामिनर ना बताता फिर तो डिवाइड बाय 3 भी हो सकता था, कॉस्ट भी हो सकती थी, क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, उसने खुद बताया, उसने खुद एक तरीका बताया लास्ट लाइन में। हाँ जी, वो कहता है रिवैल्यूड अमाउंट्स आर अपोर्शनड बिटवीन कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बुक वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन, कुछ बता रहा हमें। अब ये जरा मैथमेटिकली भी सेंटेंस जरा सही क्लियर करें, मैथमेटिकली क्या मतलब है इसका, रिवैल्यूड अमाउंट 1400 की बात हो रही है, अपोर्शन करना है कंपोनेंट्स इंजन बॉडी एंड ड्राई डॉकिंग्स में ऑन द बेस ऑफ, किसकी बेस पे, उन बुक वैल्यूज WDBs की बेस पे जो रिवैल्यूएशन से पहले थी, तब सीरियस की वर्किंग एक और होनी है। मैं ऐसे देख के लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन को जरा सही अप्लाई करवाइएगा। 1400 है, सही क्लियर करें सर, 1400 ने किस किस में किसकी बेस पे अपोर्शन होना है, जरूर बोलें। अब देखिए इस वक्त यकीनन 31 December 2020 पे ये वर्किंग कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, लेकिन क्या रिवॉल्यूशन लास्ट ईयर के एंड पे होगी थी, तो 1400 ने इस 1400 ने अपोर्शन होना है WDBs की बेस पे, WDBs की बेस पे, ये 1250.36 ढूंढना जरा, 1250.36 ये क्या है, WDB है ये, किसकी WDB है, क्या हमें कंपोनेंट्स की चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट्स की, तो क्या हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें वो WDB चाहिए जो बिफोर इवेल्यूएशन थी, फिर हमें फेयर वैल्यू पता है उसे पोर्शन कर देंगे। एक छोटा सा मैं टेबल बनाना चाहता हूँ ताकि जरा फिगर्स आप सही अंडरस्टैंड भी कर सकें, बाद में रिवाइज भी कर सकें। एक सेकंड बोर्ड पर देखा था, मेरे फिगर्स लिखवानी है बल्कि आपने, मेरी अभी हेडिंग से कंफ्यूज नहीं हो रहे आप बड़े हो गए हैं, यकीनन डेप्रिसिएशन हमें 2020 की चार्ज करनी है, लेकिन इस वक्त तो मैं पोर्शनमेंट किस वाली वर्किंग का कर रहा हूँ, कौन सी डेट पर करने लगा, उस 1400 की फेयर वैल्यू को जो 31 December 2019 पे था उसे पोर्शन करूंगा तो इस साल की 2020 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकूंगा। तो मैंने ये जानबूझ के उस वक्त काम इसलिए नहीं किया ताकि आपको राइट टाइम पे पहले ये पता चले कि मसला असल में है क्या, पता चला किसी का मसला क्या है, 1400 गौर से देखें, ये फेयर वैल्यू तो है लेकिन शिप एज अ होल की है, ये इकट्ठी क्यों नहीं डिवाइड हो सकेगी, हर कंपोनेंट की लाइफ अलग है, तो अब हमें अलग अलग फेयर वैल्यू का ब्रेकअप चाहिए और उसके लिए एग्जामिनर ने बताया हुआ है कि WDBs को बेस बनाएं, तो इंजन पे आए, इंजन की अपनी कॉस्ट ढूंढना, पिछला छोड़ दें एक मिनट, इंजन की अपनी कॉस्ट 840 थी, WDB निकालनी है 19 के एंड पे ढूंढनी है, अपने फिगर मुझे रिस्पेक्टिव बतानी है, -51.84 -76.80 इज इक्वल टू 7116 में रखा ना, WDBs ऑन 31 December 2019, वाई 19, हम तो 2020 पे आ गए, कंफ्यूज नहीं हो रहा प्लीज, हम 2020 पे आ गए डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, लेकिन फेयर वैल्यू का ब्रेकअप किस दिन होना चाहिए, 31 December 2019 तो सॉरी 2019, एनी कंफ्यूजन, बॉडी इंजन बॉडी, फिगर बोलते थे पहले लिखवाना आपने, मैंने लिख नहीं देना,
535 माइनस 15 माइनस 20 500 पूरा डेड डॉकिंग्स 60 माइनस 9 माइनस 12 39 एक मिनट इसका सम करें 12 पिछले साल के एंड पे जाएं जरा 31 दिसंबर 19 पे ये टोटल डब्ल्यूडीबी थी जिसका एक ब्रेकअप आ गया यहां तक इकट्ठे होने में फिर अगला काम दोबारा इंग्लिश पढ़ के करें ओके सर नेक्स्ट हेडिंग लिखे अपोस्टलमेंट ऑफ फेयरवेल अपोस्टलमेंट ऑफ रिवेल्यूड अमाउंट ये रिवेल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं ना चाहने तो पक्का नहीं पता आगे नाम रिवेल्यूड अमाउंट इज अनदर नेम ऑफ फेयरवेल पता आगे नाम नहीं है रिवेल्यूड अमाउंट ही है फेयर वैल्यू है नहीं बुक वैल्यू किसे कहते हैं डब्ल्यूडीबी कैरिंग अमाउंट डब्ल्यूडीबी ये अब सेंटेंस रहा इंग्लिश का लास्ट कैसे करोगे इंडियन करवा दे बाकी फिर आप खुद भी कर सकते हैं डब्ल्यूडीबी को बेस बनाना है तो 1400 के 1400 रिवैल्यूड अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय ऐसे करोगे ऐसे ही करूंगा सर कैसे करूंगा बोल दे डिवाइडेड बाय ये क्या मतलब है इसका इस डब्ल्यूडीवी में टोटल डब्ल्यूडीवी में इंजन बॉडी ड्राई डॉकिंग जितने जितने परसेंट है उतने ही परसेंट 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 फेयर वैल्यू में से भी आ रही है किसको बेस बना के क्या कर रहा हूं डब्ल्यूडीवी को बेस बना के फेयर वैल्यू का पोर्शन कर रहा नहीं समझ आई आंसर बताओ 796.49 796.49 796.49 अपॉर्चुनमेंट कंप्लीट की लिखे सेवन नाइन्टी सिक्स पॉइंट फोर नाइन बाकी फिगर्स लिखे आप
559.84834 राउंड ऑफ करना, मैं थोड़ी डिस्मिस में अच्छा आंसर 43.67. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वर्किंग? अपोर्शनमेंट ऑफ फेयर वैल्यू टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ ईच कंपोनेंट बेस्ड ऑन इट्स रिस्पेक्टिव बेस. टोटल की जगह 1400. एनी कंफ्यूजन? एग्जामिनर ने सभी एक नंबर भी नहीं देना, आपने लेने हैं, आपने नंबर एक एक लेना है, उसने एक भी नहीं देना. क्या आपके 49 आ चुके होंगे पेपर स्टार्ट करने से पहले? कितने आ चुके होंगे पेपर स्टार्ट करने से पहले? तो उसने एक भी नहीं देना, इंशाल्लाह आपने इकट्ठे करने हैं. कितने करने हैं? आगे हैं सर, बस इतने इकट्ठे करने हैं कि मैसेज में नंबर ना आए वापसी पे. जी सर, आप वर्किंग हो जाएगी सर. किस चीज की वर्किंग करने लगे थे, क्या नहीं मिला था? इंजन की वर्किंग करवा दें, बॉडी ड्राई डॉकिंग की कीजिएगा. अभी भी शायद गेम खत्म नहीं है, सही ढूंढने चीजें. इंजन की अब वर्किंग करूं कैसे? 796.49 डिवाइडेड बाय 41960. क्या ये 41960 रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन आवर्स? रिमेनिंग लाइफ लेनी है सर जी, रिमेनिंग लेनी है सर. बल्कि सॉरी, मिस कर गए हम चीज, ढूंढने ढूंढने क्या मिस हो गया. ये पॉइंट नंबर टू भी पड़ेगा बीच में, जो रिपेयर वाला भी था. बल्कि इस तरह के पेज वन है ना, कल पेज वन पे भी कुछ बातें हुई है. पेज वन बुक का पेज वन वॉल्यूम टू. ये डेप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन ढूंढ दरमियान में. इट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो बचपन है ही है, लेकिन जरा बीच में पढ़े जरा. कॉस्ट और सम टाइम सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट, ढूंढे ढूंढे उसके नीचे लिखा था आपने. अगर कॉस्ट मॉडल होगा तो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो फेयर वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू. तो रेजिडुअल वैल्यू एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है. क्या उसका एस्टीमेट चेंज तो नहीं हो गया? हो सकता है, गेम ऑन है, वो भी हो सकता है. अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या वही है? तो माइनस क्या 40 डिवाइडेड बाय क्या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ और वन क्या था 960 मल्टीप्लाइड बता के वाइंड अप करवाएं. 2020 में कितने घंटे इस्तेमाल हुआ? 600 एवरेजली मंथली एवरेज है, मल्टीप्लाइड बाय 12 कहां से आ गया यार? 12 बाय 12 नहीं, बाय 12 क्यों नहीं, क्या मंथली है? ये सारी फिगर्स का नाम बता दें. व्हाट इज 796.49 फेयर वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग आवर्स, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन आवर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय आवर्स यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर. इस साल तो नहीं मसला कोई आइडल टाइम का, आइडल आंसर भाई 129.81. बाकी कंप्लीट है. जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठा, ओके.
559.84 फेयर वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग इयर्स मल्टीप्लाइड बाय पूरा साल इज इक्वल टू 22.57। ड्राई डॉकिंग सर 43.67 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 3.25 13.44 टोटल 165.8। क्या फिगर से कैलकुलेट हुई जा रही है, क्या फाइंड आउट हुआ है, क्या फाइंड आउट हुआ है इस साल की क्या डेप्रिसिएशन। करें जी सर एंट्री करें, एंट्री रहती है, एंट्री शायद लिख ली थी हमने 31st December 2020 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 165.82 है मतलब, नहीं चलो ठीक है, नहीं मुझे तो इतराज नहीं है लेकिन आप परेशान हो ये कहीं असल गेम उधर ना निकल जाए सर। जी सर क्या रहेगा नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में चैलेंज ये होता है कि जितना मर्जी मुश्किल काम हो जाए बेसिक्स ना जेन में जेन से निकले। एंट्रीज देखें कहां तक पहुंचा, अभी डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज हुई है तो क्या सरप्लस ट्रांसफर होगा, करें नहीं करें ना, लेकिन अब डेटा है, अगर कुछ और करना है तो डेटा है, अब शायद कोई एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं है, फिगर्स अवेलेबल है, मसला क्या है ये बता दो सर। एक नजर डेटा देखें, मेरा तो पहले सरप्लस देखें, सरप्लस है 149.64 तो 169.64 सरप्लस है, बस डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ ही करना, तो क्या ये सरप्लस का भी ब्रेकअप चाहिए किस 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 में, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये शायद अभी हमने थोड़ी पहले वर्किंग की है। आपको WDVs पता है कंपोनेंट्स की, रिवैल्यूएशन से पहले और फेयर वैल्यूज पता है कंपोनेंट्स की, तो क्या इन दोनों में ही सरप्लस छुपा हुआ, टोटल सरप्लस कैसे आया था 1400 माइनस 1250 इमान, तो इंडिविजुअल सरप्लस कैसे आ जाएगा, निकालें 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 सरप्लस, कैलकुलेट करो इंजन ड्राई डॉकिंग बॉडी सरप्लसेस रिस्पेक्टिवली चाहिए क्यों, क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट है तो अलग अलग अपनी अपनी लाइफ के हिसाब से ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इंजन का सरप्लस कैसे आएगा जी, 790 6.49 इसकी WDV क्या थी, ये समझ आ गया अपनी सब, ये वर्किंग समझ आ गई सर, बेटा बस करो बेटा थक जाओगे बस करो, क्या हो गए थक गए हो गए होपफुली, या चले मैं ये बता दूं बस घंटा रह गया गेम ऑन है, एक घंटा तो गुजर गया एक और है बस आखिरी रहेगा हिम्मत, 796.49 माइनस 711.36 सबको पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं मतलब क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है,
रिस्पेक्टिव सरप्लसेस आ रहे हैं, ये फिगर्स बताइए। 7 डबल 1 3 6। ठीक है, बाकी मैं करता हूँ, आप लोग कंप्लीट कर अपना। आप तो कम सरप्लस ट्रांसफर की अमाउंट तक पहुंचा। -500 -39। बात खत्म नहीं हुई भी, इंडिविजुअल सरप्लसेस आ गए हैं डेट ऑफ रिवेल्यूएशन पे, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ इंजन की आर्स में है। लेकिन इंजन में भी गेम ऑन है, ये डिवाइडेड बाय जब आर्स करेंगे तो सरप्लस ट्रांसफर ऑफ 1 आर आएगा। 1 घंटे का सरप्लस जो ट्रांसफर होना है वो आ जाएगा। आगे क्या करें, सोचें सोचें, जिस बेस और मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है उसी बेस और मेथड से सरप्लस ट्रांसफर होगा, कर लेंगे मत? होना चाहिए कुछ और, इंजन का होना चाहिए। डेप्रिसिएशन सामने रखें, सरप्लस ट्रांसफर साथ रखें, दोनों का स्विंग करें। ये डिवाइड बाय 41965, ओके 960 मल्टीप्लाइड बाय 600 × 12। लेकिन बॉडी और ड्राई डॉकिंग में क्यों नहीं ऐसे, वो स्ट्रेट लाइन है, आर्ली है, एनुअल है, एनुअल फिगर था। जिस तरह डेप्रिसिएशन वैसे ही सरप्लस। ओके स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आंसर बताइए जरा। फोर्टीन पॉइंट सिक्स वन टू पॉइंट फाइव सेवन वन पॉइंट फोर फोर। एटीन पॉइंट सिक्स टू व्हाट इज दिस 18.62 टोटल सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये फिगर है फाइनल, सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, अगर वैसे कर सकते हो तो ऐसे क्या है, कैसे कर सकते हैं वैसे? नहीं तो डबल वर्किंग की क्या जरूरत है, जब ये काम हो गया अब बिल्कुल नहीं कर सकते, टाइम वेस्टिंग है। जब ये काम हो गया है तो आप डिफरेंस टाइम बस बार बार अपोर्शनमेंट करने की क्या जरूरत है, होने के तो वहीं से तो हुआ है, बार बार अपोर्शनमेंट की क्या जरूरत है? जब डब्ल्यू डीवीज और फेयर वैल्यूज पता है तो डिफरेंस लगे, इंजॉयमेंट मत करें। ठीक है, हो सकता है डबल एंट्री सर। कितने से भाई जान, कितने से करीम मत डेट इवेल्युएशन सरप्लस डेफिनेट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट डेट सेम लिखने की वजह स्पीड अप भी बहुत कुछ होता है। अब फिर रिवेल्यूशन हो रही सर, इस साल 2020 के एंड पे फिर रिवेल्यूशन है। इलिमिनेशन की एंट्री करते हैं, बोल दे अमाउंट एक्युमुलेटेड डेफिसिट डेबिट थ्रू स्ट्रिप क्रेडिट। और यार पिछली भी तो है,
वो एलिमिनेट हो गई थी लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर फिर एवेल्यूएशन है, पिछला एलिमिनेट हो गई थी 31 दिसंबर 2020। अब चेक करवाएं सरप्लस है या लॉस है, वर्किंग कर लेते हैं, मेरी रहती है। सही फिनिशिंग टाइप देना सर, 31 दिसंबर 2020। जी कह रही हूँ। और सर जी यकीनन बैठे सर, कैरिंग अमाउंट अब डेफिनेटली कंपोनेंट वाइज भी होना है, लेकिन इनिशियली शायद 31 दिसंबर 19 पे जाए, जरा इनिशियली शायद कंपैरिजन इकट्ठा हो सकता है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर करके सरप्लस लॉस का डिसीजन लिया जा सकता है, उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन या ट्रांसफर की बहस लेते रहते लाइफ की बेस पे। तो कैरिंग अमाउंट लिखवाएंगे, कैरिंग अमाउंट लिखवाएंगे 1400 माइनस 165.82 मेरा ख्याल हो सकता है, 1234.18 के बारे में एक मिनट सोचा था। फेयर वैल्यू लेस फर्दर डेप्रिसिएशन, यकीनन ब्रेकअप की अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। अब फेयर वैल्यू ढूंढना है, फेयर वैल्यू ढूंढना है 1000, रिवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस कितना 234.18, 234.18। मेरा ख्याल इतना इश्यू नहीं है, ये एंट्री करनी चाहिए आपको। सरप्लस पड़ा कितना पड़ा ढूंढे, वर्किंग करें मुश्किल नहीं है, बस 2 मिनट लगा लो। जर्नलिस्ट साहब भी बड़ा करके जरा एंट्री फाइनल करो। ये वो स्टोरी नहीं है जो सरप्लस के बाद लॉस, लॉस के बाद सरप्लस आ रहे, ये रिवर्सल ऑफ लॉस वाली सिचुएशन नहीं है। सरप्लस के बाद लॉस है, लॉस में बस सरप्लस एडजस्ट होना है, लेकिन रिमेनिंग सरप्लस है कितना बस ये डिसाइड करना, और वो इतनी मुश्किल फिगर नहीं है। कर ले मेरा ख्याल होना चाहिए। हाँ जी ठीक है जी, लॉस फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्या ये लॉस सरप्लस से ज्यादा है जो पड़ा, कर ले एक मिनट, जस्ट मिनट। जिन लोगों ने कर लिया अपने मीनिंग लाइफ बताएं, यहाँ से रिमेनिंग लाइफ काउंट होनी, अब रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन एक आखिरी वर्किंग करें। जी ठीक है मदरसा साहब, ठीक है फिगर आप सरप्लस आया था 149.64, ट्रांसफर हो गया है 18.62, रिमेनिंग रह गया था 131.02 और लॉस आया है 234.18। एंट्री बन सकती है लेकिन सही साइड से शुरू कीजिएगा, क्रूज शिप क्रेडिट बाय 234.18, बाकी सरप्लस डेबिट एंड लॉस डेबिट होना, क्रूज शिप क्रेडिट बाय 234.18, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट बाय 131.02 एंड रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट बाय, ये फिर वो अमाउंट है जो फाइनली प्रॉफिट लॉस में जाएगी 103.16। डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शायद बात खत्म हो गई है, हमें नेक्स्ट ईयर की वर्किंग करनी नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ रिवीजन रिमेनिंग लाइफ जरा सब कंपोनेंट्स से काउंट करके दिखा दो। ये एक मिनट, इंजन
ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बट आप भी कंप्लीट कर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन रह गया इस लास्ट एंट्री में? फोर वन नाइन सिक्स जीरो पे तो पहले ही आ गए थे। एक मिनट बेटा, जरा बॉडी की लाइफ रह गई थी 23.25 एंड 3.25। सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व, एक ही साल दरमियान और गुजरा और एक एक साल इधर से गुजरा, एक एक ही है मेरा ख्याल। 2019 के एंड पे जो लाइफ हो गई थी उसमें से फर्दर नेक्स्ट ईयर का ही माइनस होना, याद है क्या समय? मेरा ख्याल है 3.4760 इज द रिमेनिंग आर, द रिमेनिंग आवर्स 22.25 एंड 2.25। आई होप आपने एंजॉय किया सर। पेज नंबर फोर पे वापस आ, इन रिमेनिंग लाइफ से टोटल ना करना, जरा रुपीज आ जाएंगे। जी बेटा बात आपकी ठीक है, वर्किंग तीन पेजेस पे है। ये सीए स्टार्ट करना मैंने आपसे कई दफा कहा है तो कोई इशू नहीं है, इसे कंप्लीट करना भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कोई इशू नहीं है। मेरे जैसे लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो इशू है, आप लोग तो पढ़ पढ़ा के वापस आ गए हैं, आपके लिए क्या इशू है? एक असर मटो देखिएगा सर, सर थोड़ी सी ये बात जो कंपोनेंट्स की हो रही है जरा फर्दर फाइनल हो जाता है। एंशियंट वाटर्स लिमिटेड सर, पेज नंबर फोर सर, 4.0 0 4.0 सिर्फ फोर। एंशियंट वाटर्स लिमिटेड इज अ कंपनी, वो तो बातें कल हो रही थी दोबारा थोड़ी सी। एंशियंट वाटर्स लिमिटेड द कंपनी इन्वॉल्व इन द बॉटलिंग स्प्रिंग वाटर, पेज नंबर फोर क्वेश्चन नंबर टू। द कंपनी परचेज द बॉटलिंग प्लांट ऑन 2 जनवरी 2002। बस कर दें बेटा, बस कर दें, बेहतरीन बातें हो रही हैं लेकिन कैच है, मेरी भी सुनकर तो देखें। द प्लांट इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, थ्री सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, द कॉस्ट ऑफ विच इज एज फॉलोस, इंजन, कन्वेयर बेल्ट एंड फिनिंग्स, आउटर स्ट्रक्चर। आप देखें हम टेक्निकल लोग तो है नहीं, एग्जामिनर खुद ही बताएगा तो जो कंपोनेंट्स का नाम है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यूज दी हुई है, एक्सपेक्टेड यूज़ ऑफ लाइफ है लेकिन यहाँ ईयर्स में है। अदर कॉस्ट इंकर्ड इन रिलेशन टू बॉटलिंग प्लांट आर एज़ फॉलोस, एक जरा लाइन बीच में है टेबल के, दो टेबल्स के दरमियान कुछ अदर कॉस्ट भी इंकर हुई है। डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, स्टाफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग टू इंश्योर प्लांट फुली ऑपरेशन बिफोर स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन नेक्स्ट लाइन में चला गया इसी से सेंटेंस। Before the start of production, launch party, initial operating losses, इनमें है कोई खर्चे ऐसे जो कैपिटलाइज होंगे? कौन कौन से? Delivery and installation and testing cost. Number one, plant was available. ये page number? Sorry यार, page number आएगा. Page number four बता. Plant was available for use in production on 1st February 2002, although production only began on 1st March 2002. जी सर, depreciation कब से शुरू होती है? जब से depreciation, जब से asset available for use होता है, its element कब से actually use हुआ? तो 1st March ही बना ना फिर? जी जी वो इरेलेवेंट है, फर्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई लेकिन एसेट अवेलेबल फॉर यूज है।
और अगर मशीन और मेथड है फिर ठीक है, लेकिन अगर दूसरे मेथड्स हैं तो डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर, लेकिन आप चार्ज नहीं कर सकेंगे अगर मशीन और मेथड है, अगर एसेट अवेल अगर आज की बेस पे स्टार्ट हो जाएगी, अगर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग है तो कैलकुलेट भी हो जाएगी, लेकिन अगर मशीन और मेथड्स है फिर एक अलग इशू, वरना डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज. प्लांट वाज टेंपरेरीली आइडल ड्यूरिंग 2002 व्हेन द फैक्ट्री क्लोज फॉर इट्स एनुअल हॉलीडे पीरियड्स. ये अभी हमें नहीं पता, थर्ड लाइन पहले पढ़ना, ये मेथड्स का पता चलेगा फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट पॉइंट पेज पे चलें. द कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन डेप्रिसिएटिंग इट्स बॉटनिंग प्लांट. ऐसे तो देयर फॉर नंबर टू पॉइंट पे जाए, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे दिसंबर की, टेम्परेरी आइडल डेप्रिशिएट होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड, मशीन आर मेथड ऑफ नहीं होता. लेकिन ये पॉइंट नंबर थ्री के साथ ब्रैकेट में एक सेंटेंस अंडरलाइन करें, नॉट अ पोर्शन फॉर अ पार्ट ऑफ मंथ. नहीं 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 आराम से आराम से, पिछले पेज पे जाएगा नंबर वन पॉइंट पढ़ेगा. फर्स्ट फरवरी से एसेट अवेलेबल फॉर यूज है, लेट्स अज्यूम वो कहता है 5 फरवरी से अवेलेबल फॉर यूज है, और पॉइंट नंबर थ्री पे आए और ब्रैकेट पढ़ेगा, नॉट अ पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ मंथ, इवन देन आप पूरा फरवरी चार्ज करते हैं, नॉट अ पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ मंथ कह रहे हैं. ऐसे ये फुल मंथ पॉलिसी टाइप है, अगर 28 फरवरी को भी शायद होता तो पूरा फरवरी है. आइडियल तो वैसे ये कि टाइम बेसिस में चले, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर फुल ईयर पॉलिसी याद है किसी को, अगर ये ब्रैकेट में लिखा था नॉट अ पोर्शन फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, तो फिर इवन देन के फरवरी से स्टार्ट है, लेकिन पूरे साल की लॉजिकली नहीं है. लॉजिकल क्या है वैसे, डेप्रिसिएशन बिगिंस व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, वो अलग इशू है. लेकिन अगर एग्जामिनर कह दे फुल ईयर पॉलिसी भी हो सकती है, और ब्रैकेट पढ़ के फाइनल करें क्या ये फुल ईयर पॉलिसी कह रहा है फुल मंथ कह रहा है, ये फुल मंथ टाइप चीज है, लेकिन एप्लीकेबल शायद होगी नहीं क्योंकि फर्स्ट फरवरी से स्टार्टिंग पॉइंट. नंबर फोर, ऑल अदर कॉस्ट आर कंसिडर्ड टू बी इंकर्ड इवनली, अंडरलाइन करें ये लाइन, इवनली का मतलब होता है इक्वली, बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉटनिंग प्लांट, दैट इज वेयर अप्रोप्रिएट अ थर्ड ऑफ द कॉस्ट. अब देखिए असल प्रॉब्लम क्या है, पिछले पेज पे याद रखना, ये डिलीवरी कॉस्ट आई है और टेस्टिंग कॉस्ट आई है, कैपिटलाइज होनी है, 750,000 है. अब किस में कैपिटलाइज होना है, इसमें इंजन में, कन्वेयर बेल्ट में या आउटर स्ट्रक्चर में? अब तीनों में अगर होना है तो कितना कितना होना है ये बता रहा है सर मैं पॉइंट नंबर फोर. एक सेकंड लाइट आ रहा है. पॉइंट नंबर फोर प्लीज, ये टेस्टिंग और डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ने कैपिटलाइज तो होना है, लेकिन कंपोनेंट्स तीन है, तो उसमें आप पॉइंट नंबर फोर में कहता ऑल अदर कॉस्ट आर इनकर्ड टू बी इनकर्ड इवनली का मतलब हो गया इक्वली, तो अब तीन कंपोनेंट्स हैं, तो 750,000 कैलकुलेटर पकड़ा डिवाइड बाय थ्री हो जाएगा, अगर ये चार कंपोनेंट्स होते डिवाइड बाय फोर. लेकिन आखिरी चीज, अगर ये सेंटेंस ना लिखा होता तो फिर मेरा ख्याल ये है पिछले पेज में जाएगा कि शायद ज्यादा बेहतर अपोर्शनमेंट का तरीका होता कि जो उनकी कॉस्ट है ऊपर वाली कॉस्ट देखा 15 लाख 20 लाख 8 लाख, फिर शायद जितनी जितनी कॉस्ट है और जिसकी जितनी ज्यादा कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा कॉस्ट एलोकेट होनी चाहिए. अगर तो ये पॉइंट ना होता, कौन सा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो फिर शायद हम इस तरह करते 15 लाख कैलकुलेटर पकड़े, 15 लाख जमा 20 लाख जमा 8 लाख टोटल हो जाना था 43 लाख, फिर अपोर्शनमेंट बेसिस बन सकते हैं. कैसे 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 भैया, 15 लाख डिवाइड बाय 43 लाख और इंटू 7,50,000, तो ये शायद ज्यादा लॉजिकल होता अनलेस एग्जामिनर ने ना बताया होता. लेकिन बहरहाल अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आप कैसे एलोकेट कर देंगे, इक्वली लिखा हुआ, इवनली इक्वली, तो 1/3 तीन कंपोनेंट्स है तो 2.5-2.5 लाख शायद पोर्शन हो जाएगा, और फिर ये टेस्टिंग कॉस्ट जो है वो भी 11,000. हाँ, जिन एक्सपेंसेस को हमने कैपिटलाइज करना ही नहीं है वो डेफिनेटली फिर प्रॉफिट लॉस में जाना. लास्ट पॉइंट पढ़ना, द ओनली अदर एसेट ओन्ड बाय एंशिएंट वाटर्स लिमिटेड इज लैंड विच वॉज परचेज ऑन 5 दिसंबर 2000 फॉर 4 मिलियन. The land is not depreciated, sir. मैं point number इसकी requirement पढ़ रहा.
So all related general entries. The year ended 31st December 2002 and 2003. ये तो एंट्रीज है अराउंड द नियरेस्ट टू रुपी, लेकिन एक डिस्क्लोज भी मांगा उसमें और प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट का एक नोट है. तो पॉइंट नंबर 5 साथ देखें जरा. ये शायद फिर स्केड्यूल में दो कॉलम हो जाएंगे, याद है सर स्केड्यूल? ये 16 सर स्केड्यूल नोट. कितने कॉलम होते हैं उसमें? जितने एसएससी क्लासेस है. तो एक तो लैंड हो जाएगा और फिर एक प्लांट हो गया. प्लांट के कंपोनेंट्स क्लासेस नहीं, प्लांट एक क्लास ऑफ एसेट्स है. उसके जो कंपोनेंट्स है उनकी सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है कि उनको अलग अलग करके बस डेप्रिसिएशन चार्ज करनी, वरना प्लांट एक एसेट है, क्लास ऑफ एसेट्स प्लांट ही है. शेयर होल्डर्स को इंजन और आउटर स्ट्रक्चर ये कोई स्केड्यूल में नहीं दिखाने. हाँ बहरहाल जब हमें लाइफ का डिस्क्लोजर देना होगा, लाइफ का भी डिस्क्लोजर देता है नोट्स में, सभी लाइफ का भी डिस्क्लोजर होता है सर, यूजफुल लाइफ मेथड. तो वहां शायद हमें इंजन का, कन्वेयर बेल्ट का और आउटर स्ट्रक्चर का अलग अलग क्यों बताना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइफ डिफरेंट है. अदरवाइज स्केड्यूल में कितने कॉलम हो जाएंगे? एक लैंड का और नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, एक लैंड और एक प्लांट है. तो टोटल हो जाएगा इसकी, क्योंकि दो कंपोनेंट्स हैं. कितने कॉलम होते हैं स्केड्यूल में? तो कितनी क्लासेस निकलेंगे? ठीक है जी, क्लियर? अरे पर एंट्रीज करते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं. थक तो नहीं गए? अरे फिर विश्व पड़ा, मसाला थकते ही नहीं आप लोग. आप लोग कैंडी स्टार्ट ले, मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा. जैसे जी जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू प्लांट, बॉटनिंग प्लांट ना करें सर जी, ना किया करें अपनी तरफ. आप लोग जो इस कोशिश ही ना करते, असल मसला हर नई चीज साथ साथ ऐसे पूछते हैं जैसे वो आपका दोस्त नहीं है. वो भी तो आपका दोस्त ही. पहली डेट बोला 2nd January, बिल्कुल ठीक है. डबल एंट्री बोला, प्लांट डेबिट, कैश या पेबल कर. सोच के कितने सर? अभी किया बता, 43 लाख सर. अभी कैसे किया? थोड़ी देर पहले शिप की कॉस्ट में क्या क्या ऐड किया? कंपोनेंट्स की कॉस्ट कटी की, डेप्रिसिएशन बस अलग करनी है. तो 43 लाख अभी आप लोगों ने बनाया था, बताएं कितनी कितनी फिगर है? 15 लाख, 20 लाख, 8 लाख. नहीं वो आ रहा बेटा, वो डेट वाइज कर रहा हूँ, सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आना है.
लेकिन सेकंड को प्लांट आया, जरा डेट तो पढ़े, डेट वाइज होना चाहिए काम। प्लांट आ गया है, क्या बाकी भी चीजें आनी है? आपसे पूछ के लिखनी मैंने, लेकिन उनकी डेट डिफरेंट है ना, तो आराम 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 से तसल्ली से, उनकी डेट्स डिफरेंट है तो मैं डेट वाइज कर रहा हूँ। क्या इसमें अमाउंट्स कैपिटलाइज नहीं होनी? इसने कहा नहीं होनी, लेकिन सेकंड को तो नहीं ना होनी, सेकंड को तो नहीं ना मेरे भाई होनी। अगली डेट बोलो, 5 जनवरी जी, डिलीवरी इंस्टॉलेशन एंट्री, हाँ जी, प्लांट डेबिट, ठीक है, कैश क्रेडिट, अच्छा, यहाँ भी किसी ब्रेकअप की भी जरूरत नहीं है, कब पड़ेगी जरूरत? डेप्रिसिएशन में क्यों पड़ेगी? जब हम इंजन की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें इंजन की टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, तो उसमें 1/3 फिर आना है, तो फिलहाल कोई इशू नहीं। नेक्स्ट डेट, अब 16 जनवरी स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट होनी असल में, लेकिन रिक्वायरमेंट जरा देखें, असल में सिर्फ बॉटनिंग प्लांट से रिलेटेड मांग रहा, तो अगर आप करना चाहें तो स्टाफ ट्रेनिंग डेबिट, कैश क्रेडिट, स्टाफ ट्रेनिंग एज एन एक्सपेंस डेबिट होना। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, नीचे रिक्वायरमेंट देखें, बॉटलिंग प्लांट से रिलेटेड है, लेकिन लिखी जा सकती है, लिख लेते हैं, या रहने दे, रहने देते, क्यों रहने देते हैं? बॉटलिंग प्लांट से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली एंट्री क्या बन जाएगी? स्टाफ ट्रेनिंग डेबिट, एक्सपेंस एंड कैश क्रेडिट। नेक्स्ट डेट 19 जनवरी, फिर प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। तो ये जो प्लांट डेबिट होता जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है? कैपिटलाइजेशन हो रही है, तो डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंसेस कैपिटलाइज हो रहे हैं। बेटा पेज नंबर प्लीज फाइनल कर लिया करें, ये पेज नंबर तो एक मजाक ही बनता जा रहा है, ये एग्जाम में भी यही मसला ना चल रहा है, ये पेज नंबर नहीं समझ आ रहा, उसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 भी सफे होते हैं अक्सर, पेज नंबर। पेज नंबर बेटा 4 है, अभी 4, चलो 4 ही। नेक्स्ट डेट सर, सर नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट डेट 31 दिसंबर, बाकी बीच में लॉन्च पार्टी वगैरह थी, स्किप कर रहे हैं हम। 31 दिसंबर 2002, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, वर्किंग करें जरा जाके। ये वाला क्वेश्चन तो आप सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा मतलब फाइन दोबारा रिवाइज होकर खत्म हो जाए, वरना जो क्वेश्चन आप करके आए हैं उस क्वेश्चन के सामने तो अब इस क्वेश्चन को मजाक ही समझना चाहिए, लेकिन मजाक सही करें सर। ये डिसीजन भी बेटा खुद लें यार, एग्जाम में भी ये डिसीजन आपको खुद देना होगा कि कितने पेज छोड़ा, कहीं यही वहां मसला ना बन जाए। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, प्लीज कोई मिस्टेक नहीं, सब चीजें फाइनल करें, इंजन कॉस्ट ऑफ इंजन हिम्मत मारे 15 लाख प्लस प्लस 715 × 1/3 प्लस 33,000 × ये क्या बीच में से आ गया, कॉस्ट में डिलीवरी कॉस्ट और टेस्टिंग कॉस्ट पहले प्लस करें ना, टोटल कॉस्ट आएगी तो गेम आगे शुरू होगी। ये मैंने 1/3 प्रेजेंट की है, सबको पता है ये 1/3 क्या है, डिवाइड बाय 3, पॉइंट नंबर 4, डिलीवरी कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, अपोर्शनमेंट इवनली इक्वली 3 कंपोनेंट्स। एक मिनट जरा ब्रैकेट का आंसर बताएं, ये मेरी तरह इस ब्रैकेट का आंसर बताइए, 2.5, 11, ये क्या है, 1761000, ये है इंजन की टोटल कॉस्ट। अब चलाया गया गेम, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, नहीं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन,
रेजवेल वैली है नहीं? और बेटा इंडियन की रेजवेल वैली यार 5 लाख डिवाइड बाय लाइफ और फुल कंसंट्रेशन मंथ्स और दिसंबर में आइडल रहा है, दिसंबर में आइडल रहा है, 12 महीने बनते हैं साल में, साल में 12 महीने होते हैं, कहीं भी चेक कर लें, 11 क्यों ले रहे हैं हम? फरवरी स्टार्ट से अवेलेबल फॉर यूज हुआ है, दिसंबर क्यों नहीं स्किप कर रहे? आइडल एसेट भी डेप्रिशिएट होता है, कौन सा मेथड चल रहा है? 11/12 डन है सर, आंसर सर 2311 83 2311 83 ये बेटा क्लियर है प्लीज यार, मतलब लगता बिजी देख के लिख लिया सर। ये फाइनल करनी है कन्वेयर बेल्ट एंड फिट आउटर आउटर स्ट्रक्चर, ये कंप्लीट करना है। मिलियन प्लस 715 × 1/3 प्लस 33,000 × 1/3 टोटल हो जाएगा 2,53,000 2261000 माइनस इसकी रेजिडुअल हमेशा 0 डिवाइडेड बाय लाइफ है 8 इयर्स 11/12 2590 73 2590 73 स्ट्रक्चर 8 लाख जमा 250 प्लस 11,000 1061 माइनस 50,000 रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय 3 इनटू 11 बाय 1 30917 जी जस्ट ये बार बार 750 जो आ रहा है 750 और 30,000 समझ आ रहा है, पॉइंट नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। Other costs are incurred, assumed to be incurred evenly over the three companies. Evenly का मतलब equally. Noted it, please. करें जी एंट्री फाइनल, जिन लोगों ने कर ली नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर, 2 साल रिक्वायर्ड है, नेक्स्ट ईयर सोचते हैं क्या होगा, क्या क्या होना जी, कॉस्ट के बेस पर होना चाहिए, जिस कंपोनेंट की इतनी कॉस्ट है फिर उसकी बेस पर होना चाहिए जी। आप वेटिंग फ्रॉम योर साइड, आप एंट्री लिखें और नेक्स्ट ईयर सोचा था कंप्लीट करने, स्केड्यूल भी है, टाइम जरा शॉर्ट है।
वर्किंग लिखनी है 799 वाली, ये डेप्रिसिएशन वर्किंग होगी, डेप्रिसिएशन की वर्किंग होगी सर। बड़े अच्छे बात फ्रेंड्स इकट्ठे नजर आए, बोर हो रहे हैं, समझ नहीं रहा ऊंचा बोलिए। डेप्रिसिएशन का टोटल बता दें, आगे 799173। जी नेक्स्ट ईयर रिवैल्यूएशन भी तो है यार, कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन तो नहीं है सर, वाइंड अप कर ले सर। नेक्स्ट ईयर बस एक ही एंट्री है, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड है मेरा तो, कह रहा डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। और ये सर यार मंथ से इशू, सही कह रहे हैं, प्लीज कंप्लीट करें, कंप्लीट करें। Depreciation for the year ended. December 31st, 2003. Engine same figures only sir, 1761000 -500,000 divided by 5. अब full year की बस charge होगी 2522200। डबल 261 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 282 625। आउटर स्ट्रक्चर वन जीरो सिक्स वन माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 37,871। ये स्केड्यूल की तरफ जा रही है, बी रिक्वायरमेंट जरा उसकी हेडिंग्स वगैरह बनाए कुछ जेन में लाए, अब जरा भूली बिस्ती चीजें। जी सर ये होगी वर्किंग, जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा वर्किंग करके साथ मिल गए। जी सर 31st December 2003 लास्ट एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। Eight to five.
बी रिक्वायरमेंट सर, एनी कंफ्यूजन सर? जी सर, बी रिक्वायरमेंट मैंने बताया क्या बनाना, एंशियंट नहीं बेटा, बस वर्किंग पहले इसके हेडिंग्स बना दो। एंशियंट वाटर्स लिमिटेड, स्पीड अप हो, एंशियंट वाटर्स लिमिटेड नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। For the year ended, December 31st, अच्छा रिक्वायरमेंट पड़ी है 31st December 3 है शायद, कंपैरेटिव तो नहीं। स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कुछ नई चीजें तो हम पढ़ रहे हैं आजकल, लेकिन टेक दीज थिंग्स एज रिवीजन एज वेल। जैसे थोड़ा थोड़ा हमने आगे पढ़ना है, साथ ही पिछली चीजें बीच में आ जाएंगी। जी स्केड्यूल आ जाएगा, बट जिस दिन में कितने कॉलम, लैंड पॉइंट नंबर 5 में लैंड भी है, प्लांट, और अगर एक से ज्यादा कॉलम बन जाए क्लासेस ऑफ एसेट्स होने की वजह से तो टोटल। जी सर, लेफ्ट साइड सेटिंग शुरू करें सबसे पहले, नहीं बेटा ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस या बैलेंस एज ऑन 1st January। अच्छा इसमें ना ये तरीका कभी भी मुनासिब नहीं, मेरे ख्याल पहले ही मैंने कहा होगा कि पहले हेडिंग्स लिखी जाए और एंड में फिगर्स होंगे, जो हेडिंग लिखी है साथ साथ लिखे क्योंकि हेडिंग के तो कोई नंबर नहीं है। हाँ डेफिनेटली हम जरा इसमें इस वक्त रिलैक्स नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं है, अरे रिवैल्यूएशन नहीं है सर, एसेट अकाउंट और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जहन में बनाना, पहले स्टेप एसेट अकाउंट जहन में रखें, डाटा देखें। हम 3 में है, पॉइंट नंबर 5 में जाए, लैंड पिछले सालों में खरीदी गई है, 4 मिलियन होगा जी ब्रॉड डाउन, ये ब्रॉड डाउन में होगा या एडिशन में होगा, एडिशन में कब होता, अगर इसी साल खरीदा होता 2000 की बात है। सिमिलरली प्लांट के बारे में हिम्मत करें, जरा प्लांट की कॉस्ट बताएं जी, जरा ना 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 ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, एंट्रीज देखें, एंट्रीज देखें, एंट्रीज देखें, 43 लाख में 750,000 भी एड हुआ है और 33,000 भी एड हुआ है, 5083 किस साल एडिशन थी, किस साल 2002 में, 2003 का स्केड्यूल बना रहे हैं, ओपनिंग में लिखूं या एडिशन में, 2012 जहन में लाएं, सॉरी 2002 में एडिशन हुई है, फिर क्लोजिंग बना होगा 2002 के एंड पे, हमारे लिए 2003 के स्टार्ट पे ब्रॉड डाउन होगा या एडिशन होगा। और प्लीज रिमेम्बर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा स्टोरी है, ये कॉस्ट का लेजर है, तो क्या डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई है पिछले साल, लेकिन वो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की स्टोरी में आएगी। फाइनल बोल दें कहां लिखूं कितना लिखूं, प्लांट में कहां कितना, ओपनिंग में 5083 पे कोई कंफ्यूजन, टोटल करने चला 9083000, एनी एडिशन दिस ईयर, एडिशन की कोई एंट्री बोल दें, वैसे डेबिट कैश क्रेडिट और क्या एंट्री होनी, एनी डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, सोच के एंट्री बोले अगर होती तो, हाँ जी डिस्पोजल डेबिट एसेट क्रेडिट है, ये कैश वाली एंट्री नहीं है। एनी क्लोजिंग बैलेंस, क्या ब्रॉड डाउन ही कैरी डाउन बन जाएगा, क्यों एडिशन डिस्पोजल नहीं है, ओके प्लीज।
जी वही होना था सर, अगर एडिशन हो जाती और एडिशन में आ जाना था। जी सर, नेक्स्ट हेडिंग एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन। जो ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन की स्टोरी चार चीजें, एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन के लेजर से मिला, ओपनिंग बैलेंस लैंड का क्यों नहीं, नॉट डेप्रिशिएटेड, अरे एंट्रीज देखें, एंट्रीज देखें, डेप्रिसिएशन ऑफ 2002 ढूंढे, पिछले साल चार्ज हुई होगी, क्लोजिंग बनी होगी, एक्यूमुलेटेड होगी, क्लोजिंग बन के ओपनिंग बनेगी, फिगर बोल दें, पिछला एक ही साल गुजरा था, तो 799173, फर्दर डेप्रिसिएशन एनी फॉर द ईयर, फॉर द ईयर लैंड की तो बैच खत्म होगी 871.85 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉलम बन रहा है या डेप्रिसिएशन का, एक बात नहीं है, एक ही बात है, एक बात हरगिज नहीं है, डेप्रिसिएशन के भी ब्रॉड डाउन होते हैं, तो फॉर द ईयर फिगर है, एक्युमुलेटेड का ओपनिंग है, एक्युमुलेटेड क्रेडिट हो रही है, डिस्पोजल अगर होती तो एंट्री बोले, कौन सी एंट्री की बात कर रहा हूँ, ना 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 नो डिस्पोजल डेबिट भाजा, ना 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 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट एक नेगेटिव फिगर होती है। क्लोजिंग बैलेंस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होनी थी और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होना अगर बना रहे होते हैं। जी टोटल करें एक्युमुलेटेड 1670998। डन है सर, आगे चले सर, बात खत्म नहीं है सर अभी, ना ना कैरिंग अमाउंट सर, कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करेंगे ऐड करके, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन, लैंड की कैरिंग अमाउंट जीरो होगी, कैरिंग अमाउंट 4000 ही होगी यार, 4 मिलियन, बिल्डिंग सॉरी प्लांट सबको पता है कैसे फिगर आती है, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी सर कैरिंग अमाउंट हो जाए तो ठीक ठाक ही रिलैक्स हो रहा है आज, जहां मैं देखूं वहीं पे कैलकुलेटर, अच्छा कैलकुलेटर 34002 टोटल कर लो, सेवन फोर वन टू 0002। ये अभी पूरी नहीं है बात सर, नोट अगर बनाना हो गेम ऑन है, फुल कंप्लीट रिवाइज, रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के अलावा जो जो पॉसिबल है सब कुछ करते हैं। जी डेप्रिसिएशन मेथड्स, डेप्रिसिएशन मेथड तो स्ट्रेट लाइन ही है, ये ठीक है मेजरमेंट बेसिस, डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन लिख दो, अब सबका स्ट्रेट लाइन ही है, दो ही है बल्कि एक ही है शायद, ये मेजरमेंट बेसिस मीन्स क्या होता है, कॉस्ट मॉडल या रिवेल्यूशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल और यूजफुल लाइफ, हाँ जी अब यूजफुल लाइफ लेदर लेदर लिखनी पड़ेगी पहले, बल्कि लैंड भी बीच में लिख दें, नॉट अवेलेबल या नॉट डिटर्मिनेबल,
नॉट अवेलेबल, नॉट मेंशन। अब यहां प्लांट एज अ होल की लाइफ हम नहीं लिख सकेंगे, पता है सबको? तो प्लांट कंपोनेंट्स पे लिखेंगे, प्लांट कंपोनेंट्स पे ढूंढना। इंजन, कन्वेयर बेल्ट, आउटर स्ट्रक्चर, फाइव ईयर्स, एट ईयर्स, थ्री ईयर्स, एनी अदर? ये हाँ जी, रिवॉल्यूशन वाला तो इस वक्त एप्लीकेबल नहीं है, डिस्पोजल हुई कोई नहीं, वरना डिस्पोजल से भी रिलेटेड होता है, सही चीज है मैडम। लैंड अगर लीज पे हो तो फिर FA2 लीज है, कुछ FA2 भी छोड़ दो सर, सारा यही बड़ी जाना सर, क्या हो जी जी उसकी होती है 99 ईयर्स लीजीज, आपने सुनी होगी, लेकिन वो भी इवन देन भी वो फिर और स्टोरी है प्लीज। देन सर जी कल के लिए जरा होमवर्क लिखें सर, रेशियोस को जरा टाइम देना, आज दोबारा यार जरा रेशियोस अपनी रिवीजन जरूर करें, मेरी रिक्वेस्ट को भी जहन में रखें। ये जहां स्पुटनिक क्वेश्चन किया था, पेज नंबर बताए अभी कहां थे? पेज नंबर ढूंढे 172, पेज नंबर 172, क्वेश्चन नंबर 6। एक तो ये एपी बैग रिवाइज करें, याद है किया था? पेज नंबर, लेकिन बेटा इसे एपी बैग को रिवाइज करने से पहले मेरा ख्याल है पहले एक हल्का सा क्वेश्चन भी रिफ्रेश करें, एकदम जज्बाती होकर सीधा यहाँ। वॉल्यूम वन में पेज नंबर, वॉल्यूम वन पेज 210, अब कल भी मैंने शायद कहा था रिवीजन डजंट मींस के दोबारा सॉल्व करें, लेकिन रिवीजन डेफिनेटली मींस के जो भी क्वेश्चन करें उसको पूरा थॉरली रिवाइज करें, हर फिगर कैसे कैलकुलेट हुई कहां से आई थॉरली रिवाइज करें, जरूरी नहीं कि दोबारा सॉल्व करें। तो पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन है बेटा, बस करो, बस बस कर दें यार, माजरत है मैं तंग करने आया हूँ, जहाँ इतना तंग हुए आप थोड़ा सा बेटा कुछ चांस तो दे जरा। वॉल्यूम वन में पेज नंबर 210 पे क्वेश्चन है और एक 217 पे क्वेश्चन है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन एक एक ही मिल जाएंगे, तो पहले इनको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, देन फिर वॉल्यूम टू में मैंने कहा है पेज 172 क्वेश्चन नंबर 6, इट शुड टेक नहीं आधा घंटा, इट शुड टेक मिनिमम 1 आवर, ये सर्जरी भी नहीं देखना पता इस तरह नहीं, इट शुड टेक 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर। अल्लाह हाफिज़। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन तो नहीं बता रहा है, जी जजाकल्ला सर, एनी क्वेश्चन ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज़।